ये कोडी रोड्स और आपके फेवरेट जॉन सीना की टीम। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और ये पहुंच चुकी टैग टीम चैंपियनशिप के फाइनल राउंड में, जहां पे इंतजार कर रही है नेक्स्ट अपोनेंट का। अब यहां पे टीम ग्रेट खली, टीम ब्रॉक लेसनर एंड टीम रैंडी ऑर्टन। अब रैंडी ऑर्टन के उनके अपोनेंट एजे स्टाइल ने साथ पकड़ लिया। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ब्रॉक लेसनर का भाई साथ उनकी हड्डी पसली तोड़ने वाले गोल्डबर्ग ने दे दिया। तो भाई हमारी द ग्रेट खली की टीम इंतजार कर रही है कि हम जॉन सीना और कोडी रोड से भिड़े जाके टेबल ट्रिपल टैग में, लेकिन आज इनको ये मैच जीतना होगा तब ना वो भिड़ पाएंगे। बात तो सही है। सो लेट्स मूव ऑन, देखते हैं क्या आज हमारी टीम वीर महान या ब्रॉक लेसनर गोल्डबर्ग की या रैंडी ऑर्टन एजे स्टाइल्स की टीम जाती है, क्योंकि फोड़ना आपको टेबल है तभी आप पहुंच सकते हो। और आते साथ ही भाई गोल्डबर्ग ने लगा दिया जैक हैमर, रैंडी ऑर्टन का दी एंड हो सकता है। वीर महान वहां क्या कर रहे हो? खली का साथ दो जल्दी से, एजे स्टाइल्स उठ चुके हैं, रैंडी ऑर्टन का साथ देंगे क्योंकि वो एलिमिनेट कर। अरे भाई रॉयल रंबल नहीं है, खली को कोई बताओ, रॉयल रंबल मूड में है खली अभी भी। भाई रॉयल रंबल ओवर हो चुका है, इनको एंट्री नहीं मिली इसलिए दुखी है। इधर आरकीओ लगा दिया, ब्रॉक लेसनर भी डाउन है, ब्रॉक लेसनर खत्म हो गया। उधर भाई वीर महान को लग गया जैक हैमर और वीर महान भी खत्म, खली भी खत्म। भाई बहुत तबाही मच रही हुई है, लेकिन टेबल्स हमारी अभी भी तक एकदम स्टेक्ड है, कोई भी टेबल को छू नहीं रहा है। सभी को पता है कि टेबल फोड़ सकते हैं हम लोग, और जिस दिन टेबल फूटी, मतलब जिस मोमेंट में फूटी, उसी मोमेंट कयामत आ जाएगी। फिलहाल एक टेबल सेटअप हो चुकी है, रैंडी ऑर्टन ऑन फायर, क्या ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट? जी हाँ, नहीं भाई रिवर्स हो गया, ब्रॉक ने मारा बहुत ही बेहतरीन रिवर्स, लेकिन क्या ये रिवर्स काम आ पाएगा? अब ब्रॉक लेसनर ने टांग लिया, भाई ये हो सकता है क्या जो मैं चाह रहा हूं? रैंडी ऑर्टन हैज बीन एलिमिनेटेड। तो भाई ब्रॉक लेसनर ने कर दिया कमाल, एजे स्टाइल्स की टीम, अरे भाई चोक स्लैम। और ये सब एजे स्टाइल्स के पीछे क्यों पड़े हुए? पहले खली ने पीटा, अब ब्रॉक लेसनर भी पीट रहा है एजे को, लगता है मिल के ये एजे स्टाइल्स की टीम को एलिमिनेट। खैर अब ब्रॉक लेसनर ने अपना अटेंशन खली की ओर मोड़ दिया है। उधर वीर महान पीटे जा रहे हैं गोल्डबर्ग द्वारा, और अभी खली नीचे, अरे भाई सुप्लेक्सिटी, ये कमी बाकी रह गई थी ब्रॉक लेसनर की, यही तो मुझे देखना था, क्योंकि यही तो तबाही का मंजर है। अभी इसके बाद ये टीम, अगर यहां से जो टीम जीतेगी वो जाएगी जॉन सीना और कोडी रोड्स के पास, उसके बाद एक और राउंड होगा, फिर तीन टीम। और भाई मुझे लग रहा पावर पंच, गलत चीटिंग मैन बन गए खली भाई हमारे, चीटिंग मैन, दिस इज नॉट फेयर। खली ने लगा दिया ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर ने लगा दिया F5 रिवर्स नहीं कर पाए, और लग गई धमाकेदार F5। भाई अभी तक सिर्फ एक ही रैंडी ऑर्टन गया और कोई नहीं, और अभी हमारे पास बहुत सारे अपोनेंट बाकी हैं। देखना ये क्या एजे स्टाइल जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पार्टनर रैंडी ऑर्टन जा चुके हैं। खली जा रहे F5 खाने के बाद, F5 खाने के बाद खली का दी एंड, ब्रॉक लेसनर ने खली को भी एलिमिनेट कर दिया। तो भाई वीर महान और रैंडी ऑर्टन ये दोनों अकेले बचे हैं, सॉरी एजे स्टाइल्स, वीर महान और एजे स्टाइल्स अकेले बचे, सिर्फ गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर, ये तो बहुत शान पट्टी दिखाते हुए भाई गजब खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है यही टीम जाने वाली है कोडी रोड्स और ब्रॉक जॉन सीना से मिलने। खैर अभी वीर महान हमारे ब्रॉक लेसनर के ऊपर जूझ पड़े हैं, क्या ये कुछ अतरंगी कर दिखाएंगे? वीर महान हमारे इंडिया के शेर कुछ अतरंगी करने का सोच रहे हैं, जी हाँ चढ़ गए ऊपर, ब्रॉक लेसनर का दी एंड हो सकता है, कयामत छा गई भाई, गए ब्रॉक लेसनर को दी एंड कर दिया हमारे वीर महान द इंडियन टाइगर ने। ये होती भाई इंडिया की पावर, वीर महान ने ब्रॉक लेसनर को उड़ा दिया है। तो आप एक एक बंदा बचा है हर एक टीम से, गोल्डबर्ग, एजे स्टाइल्स एंड वीर महान, और तीनों के कैप्टन एलिमिनेट हो चुके हैं, यानी ब्रॉक लेसनर, खली को। अरे भाई ये क्या किया, एजे स्टाइल्स ने गलत काम कर दिया भाई, पिछवाड़ा तोड़ दिया हमारे वीर महान का, पिछवाड़ा टूट गया है। और अभी गोल्डबर्ग शायद अटेंशन मोड में, जैक हैमर लगा सकते थे लेकिन नहीं लगाएंगे, पता नहीं क्या खुन्नस चाह रही है। दो टेबल सेटअप है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, कौन जाने वाला है? एजे स्टाइल्स जाएंगे क्या? ओ नहीं, बहुत देर कर दी टकलू मास्टर ने मारे। खैर अभी गोल्डबर्ग वीर महान को, वीर महान गए, अरे भाई क्या बचे हैं वीर महान। वीर महान बहुत साफ साफ बच गए भाई, वरना तो मुझे अभी, ये क्या कर रहे दोनों खड़े होके यहाँ पे, रैंडी ऑर्टन खली यहीं पे खड़े हुए अभी, भाई इसको क्या हो गया, आई डोंट नो। और ये एजे स्टाइल्स का धमाकेदार अटैक, लेकिन फिर भी टेबल नहीं फूटी, और भाई कैप्टन तीनों टीम के एलिमिनेट हो चुके हैं। और ये गोल्डबर्ग जा रहे भाई, वीर महान की क्या कर रहा है एजे स्टाइल्स, कैसा नमूना आदमी है यार, अबे एलिमिनेट हो जाने देता कम से कम उसको, ब्रॉक लेसनर की टीम एलिमिनेट हो जाती, लेकिन नहीं, ये अपना शान पट्टी दिखाएंगे, बताएंगे भाई हम फिनोमिनल वन है ना इसीलिए तो। और अब क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है, एजे स्टाइल्स को फेंक दिया है, गोल्डबर्ग कहीं लगा ना दे कुछ आड़ा तिरछा, गोल्डबर्ग नीचे गए भाई, गोल्डबर्ग क्यों नीचे भाग गए, फिर से ऊपर आ रहे गोल्डबर्ग,
गोल्डबर्ग ऊपर आ गए और अब वीर महान ने गोल्डबर्ग को सेटअप कर दिए टेबल पे, और अब जो हम देखना चाहते वही होने वाला भाई। ब्रॉक लेसनर की टीम गई, खत्म। ब्रॉक लेसनर की टीम एलिमिनेटेड। और भाई ये नहीं प्लीज, इंडिया का टाइगर फिनोमिनल क्लैश, एजे स्टाइल्स का क्लैश लग गया है और अब शायद गए हमारे वीर महान भाई गए। तो फाइनली हम देख सकते हैं कि हमारी एजे स्टाइल्स की टीम जा रही है जॉन सीना और कोडी रोड्स के साथ फाइनल में। लेकिन इस फाइनल से पहले कुछ और फिनोमिनल फोरआर्म पड़ गई भाई, फिनोमिनल फोरआर्म भी पड़ गई, इसी की बात थी। और अब गए वीर, अभी क्या कर रहा है, कैसा चापलूस आदमी है ये, इसको ये भी नहीं पता है कि स्टंट आदमी को टेबल में सेटअप किया जाता है। क्या ही बेवकूफ आदमी है रे बाबा, क्या रेसलर बनेगा ये, कोई बात नहीं, इससे यही उम्मीद थी। अरे भाई क्या खतरनाक मूव, मुझे लगा एजे स्टाइल्स के पास दिमाग नहीं है, दिमाग तो काफी अच्छा यूज किया था, लेकिन वीर महान ने उसको भी हटा दिया। भाई ये स्पेक्टेटर बन के क्यों खड़े हैं, रैंडी ऑर्टन और खली क्या चाह रहे हैं, मतलब हम जीत के जाएंगे यहां से। और एजे स्टाइल्स वीर महान को रिवर्स नहीं कर पाए, खतरनाक भाई। हमारी इंडियन टाइगर की टीम द वीर महान एंड द ग्रेट खली जा रही है फाइनल्स में कोडी रोड्स एंड जॉन सीना के पास। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फाइनल राउंड बचा है इस फाइट का, उसके बाद तीन टीम हमारे पास निकल के आएंगी। दो टीम ऑलरेडी हो चुकी, जॉन सीना कोडी रोड्स एंड द ग्रेट खली वीर महान द इंडियन टाइगर। अब नेक्स्ट राउंड की फाइट में एक और टीम मिलेगी, जिसके बाद हमारे टैग चैंपियंस बनेंगे 2K23 के।